लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मप्र में जोरदार बारिश, सिवनी में बिजली गिरने से 5 की मौत, देवास में नदियां उफान पर, महेश्वर में भैंस बही, महेश्वर में महाश्वेरी नदी में तेज बहाव में एक भैंस बह गई, जिसे लोगों ने मुश्किल से बचाया। इंदौर, मप्र में 14 दिन लेट आए मानसून ने धमाकेदार दस्तक दी है। मानसून की पहली ही बारिश में कई जिले जलमग्न हो गए हैं। इंदौर में जहां मंगलवार को 4 घंटे तेज बारिश से सड़कें नाले में बदल गईं, वहीं देवास में कई नदियां उफान पर आ गईं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। सिवनी में इन तेज बारिश के बाद बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से झुलस गए। वहीं महेश्वर में माहेश्वरी नदी के उफान पर आने से एक भैंस पानी में बह गई। मौसम विभाग के अनुसार मप्र में मानसून सक्रिय हो गया है, कुछ घंटों में कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। सिवनी में बिजली गिरने से 5 की मौत, मृतकों में 3 बच्चे शामिल। सिवनी जिले के मोहगांव में मंगलवार को कुछ मजदूर मक्के की बुआई कर रहे थे, साथ आए बच्चे खेत के पास ही खेल रहे थे। बारिश शुरू होने से सभी लोग आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका विनीता पिता राधेलाल सयाम 16, सावित्री पिता जीवनलाल 14, जीजीबाई पति सुंदर जंघेला उम्र 34, प्रिंस पिता नेतम विश्वकर्मा 08 और प्रतीक्षा पिता नेतन विश्वकर्मा 06 को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं घायल मायाबाई पति रिखी राम जंघेला 50 और गीताबाई परधान 50 और एक अन्य का इलाज चल रहा है। सोनकच्छ में काली सिंध नदी तो महेश्वर में माहेश्वरी नदी उफान पर। मप्र में मानसून के मेहरबान होते ही मुसीबतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देवास जिले में सुबह से हो रही तेज बारिश से काली सिंध नदी उफान पर आ गई है और छोटी पुलियां डूब गई है, लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। वहीं गुनेरी नदी के रौद्र रूप धारण करने से ब्रिज पानी में डूब गया है, जिसके चलते बागली चापड़ा मार्ग बंद हो गया है। महेश्वर में भी महेश्वरी नदी उफान पर है, जिसके चलते बाढ़ में फंसकर एक भैंस बह गई, जिसे लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बीआरटीए सहित कई चौराहे लबालब। मानसून की पहली ही बारिश में शहर की ज्यादातर सड़कें नाले की तरह नजर आईं। सत्यसाई, विजयनगर, रसोमा, MR9 सहित शहर के ज्यादातर चौराहों में घुटने तक पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीआरटीएस का ज्यादातर हिस्सा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नहर हो। इसके अलावा MG रोड, जौंजीरवाला रोड में भी घुटने तक पानी बहा। घरों में घुसा पानी बारिश का सबसे अधिक असर शहर के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जा रहा है। यहां सुबह 8 बजे से ही मूसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश के चलते छत्रीबाग, राजमोहला, नरसिंह बाजार, बालदा का एलोनी, जायशी मोहला, बिरयाबानी, खागदीपुरा, चंदन नगर, राजनगर, नगीन नगर आदि क्षेत्रों में स्थित निचले इलाके में पानी भर गया। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से इन क्षेत्रों में स्थित कई घरों में पानी भर गया। मच्छी बाजार से गंगवाल तक हालत खराब। स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा पिछले दिनों मच्छी बाजार से लेकर गंगवाल बस स्टैंड तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए गए थे। मच्छी बाजार, कड़ाव घाट, सिलावटपुरा, बिरयाबानी से लेकर गंगवाल बस स्टैंड तक मकानों का मलबा फैला हुआ है। जोरदार बारिश के चलते इन इलाकों की हालत खराब हो गई है और पूरे क्षेत्र में कीचड़ के साथ ही जलभराव हो गया है। सिलावटपुरा क्षेत्र में निगम द्वारा पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी भारी परेशानी हो रही है। प्रदेश में मानसून की जोरदार दस्तक, कुछ घंटों में कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। मप्र में मानसून के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई। प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बारिश भी हुई है। मानसून ने इंदौर से प्रवेश किया है और इस समय अलीराजपुर, धार, झाबुआ, देवास, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में पहुंचा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ घंटों में इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर सहित कई शहरों में तेज बारिश की संभावना है। पहले ही दिन कई जिले हुए तर। मानसून की आमद अरब सागर ब्रांच से प्रदेश में हुई है। प्रदेश में मानसून आने का तय समय 10 जून है। यह इससे 14 दिन बाद मप्र पहुंचा है। मानसून पहुंचने के पहले दिन ही खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत प्रदेश के कई शहर तर हो गए। अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा जिले के सोनसर, बालाघाट समेत कई शहरों में बारिश हुई।
गुजरात महाराष्ट्र होते हुए मट्ट पहुंचा मानसून। शुक्ला के मुताबिक मानसून बहरावल अहमदाबाद समेत गुजरात के दक्षिणी हिस्से से होता हुआ खंडवा पहुंचा। गुजरात के इस हिस्से में एवं कोंकण के उत्तरी भाग के बीच 2.1 से 5.8 किमी ऊपरी हवा में एक चक्रवात था। यह बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से गुजरात महाराष्ट्र एवं मप्र से सटे इलाकों में 2-3 दिन तेज बारिश हो रही थी। इसी रास्ते से मानसून मप्र पहुंचा है। 36 में से 24 सब डिवीजनों में कम या बहुत कम बारिश। सामान्य से 3 दिन पहले 29 मई को केरल से प्रवेश करने के बाद मानसून से दक्षिण में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में अच्छी बारिश हुई। हालांकि अब भी 23 जून की स्थिति में मानसूनी बारिश में 10% की कमी है। देश के 4 डिवीजनों में केवल दक्षिणी प्रायद्वीप में 29% ज्यादा बारिश हुई है। देश के 4 मौसम विभागों में पूर्व और पूर्वायतर भारत में 29% और पश्चिमोत्तर भारत में 24% की कमी है। अगर 36 सब डिवीजनों में देखें तो 24 सब डिवीजनों में कम या बहुत कम बारिश हुई है। इसका मतलब कि 25% से कम भूभाग में सामान्य या अधिक बारिश हुई है। कैसे पता चलता है मानसून पहुंच गया? हवा का रुख दक्षिण पश्चिमी होना चाहिए। जमीन से लेकर 5 किमी ऊपर तक ज्यादा नमी होना चाहिए। इन इलाकों का तापमान सामान्य से न्यूनतम 5 डिग्री कम होना चाहिए। आसपास के क्षेत्रों में 1 सेमी से ज्यादा बारिश होना चाहिए। देश के उत्तर भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। मानसून आए हुए लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन अब तक देश के 25% भूभाग में ही सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से अगले सप्ताह मध्य और उत्तर भारत में बारिश के हालात बनेंगे। मौसम विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए अब अनुकूल हालात हैं। 23 जून से यह आगे बढ़ने लगा है। रविवार को यह गुजरात के सौराष्ट्र, वेरावल और अहमदाबाद, महाराष्ट्र की अमरावती की ओर बढ़ा है। 8 साल में सिर्फ 2013 में ही तय समय पर आया प्रदेश में मानसून 8 साल बाद इतनी देर से पहुंचा। पिछले साल भी यह तय समय से 12 दिन बाद 22 जून को आया था। इस दौरान एक बार 2013 में ही यह तय समय पर आ सका। कब का पहुंचा मानसून? वर्ष का पहुंचा 2010 16 जून, 2014 19 जून, 2011 17 जून, 2015 21 जून, 2012 19 जून, 2016 21 जून, 2013 10 जून, 2017 22 जून। सिवनी जिले में बिजली गिरने से 4 नाबालिगों समेत 5 की मौत हो गई है। सोनकच्छ में काली सिंध नदी के उफान पर होने से जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग